नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वोडाफोन आइडिया काफी चाहने वाले हैं इस स्टॉक के। इनफैक्ट ये एक ऐसा स्टॉक है जो सबसे सस्ता है FNO की हिस्ट्री में। दैट मींस FNO की हिस्ट्री, मेरा कहने का मतलब ये कि सबसे सस्ता प्राइस है जिसका, और वो FNO में इंक्लूड है। हालांकि लॉट साइज देखोगे तो फिर वो आपका सब सेम ही हो जाता है, वो आपको भी पता है मुझे भी पता है, बट स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस बहुत नीचे है और FNO में इंक्लूजन है। स्टॉक की बात की जाए तो कंपनी ने अपने नंबर्स पेश कर दिए हैं, और मतलब क्या ही बोला जाए, क्यों इस स्टॉक को लोग अपनी पोर्टफोलियो का पार्ट बनाते हैं, क्या सोच के बनाते हैं, उन्हें दिखती नहीं है चीजें या क्या। ये एक ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है जो आपको स्टॉक मार्केट को बिजनेस के हिसाब से दिखा सकता है। आपको, मुझे, हम सबको पता है ना, आप वोडाफोन की सिम यूज कर रहे हैं ना मैं सिम यूज कर रहा हूं। अगर आप कर भी रहे हो तो आप एक ब्रॉडर बेस सर्वे कीजिए, अपने घर के जितने मेंबर्स हैं, आपके जितने फ्रेंड्स हैं, जितने रिलेटिव हैं, जिनको आप जानते हो, उनसे पूछ लो, भाई आप कौन सी सिम यूज कर रहे हो, सिम का ही तो बिजनेस है, आप कौन सी सिम यूज कर रहे हो, बस पूछ लो। आप देखोगे मुश्किल से 4-5-10% मुश्किल से मिलेगा कि वोडाफोन आइडिया की सिम यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग निवेश करते हैं। पता है क्यों? स्टॉक के प्राइस की स्पेकुलेशंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। ये डायरेक्ट एग्जांपल है, आप बिजनेस में निवेश नहीं कर रहे, आप स्पेकुलेट कर रहे हैं मार्केट में। दैट मतलब आप निवेश कर ही नहीं रहे फिर तो। सिंपल सी भाषा में आप बाजार में स्टॉक के प्राइस को ऊपर नीचे होते हो देख सकते हैं बस। तो आपको कभी लॉन्ग टर्म निवेश तो करना नहीं चाहिए। अब कुछ लोग सोचते हैं कहानी बदलेगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहानी तब बदलती है या तो आपकी कंपनी कुछ अलग कर जाए या सामने वाला कुछ खराब करे। अब सामने खड़ा है भारती एयरटेल, जो रिलायंस के इतने बड़े प्लान से नहीं डगमगाया, क्योंकि एयरटेल का ना एक ऐसा दबदबा है। मैंने पूरे जियो के, आज तक मैंने जियो की सिम यूज नहीं करी, लिटरली मैं सच बता रहा हूं, और केवल मैं ऐसा नहीं, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी जियो की सिम यूज नहीं करी होगी। जियो का बेस सबसे हाईएस्ट हो गया है, लेकिन आज भी जिन्होंने एयरटेल इस्तेमाल करा, बहुत से ऐसे जिन्होंने एयरटेल छोड़ा ही नहीं। तो ये पावर है, बाकी मोटा भाई जहां आ जाए वो तो कब्जा कर ही लेते हैं, उन्होंने जियो में भी आके कब्जा करा एक तरीके से, बट एयरटेल आज भी मतलब लोगों के पास हाईएस्ट लेवल पे मिलती है। वोडाफोन आइडिया क्यों लेते हैं समझ में नहीं आता। ये डायरेक्ट बिजनेस में एक ऐसा बिजनेस है जो सबको समझ में आ सकता है। आपके घर में जो बच्चा है उसको भी समझ में आएगा सिम कौन सी यूज कर रहे हो, एयरटेल जियो एयरटेल जियो, लेकिन वोडा का नाम नहीं निकलेगा। फिर आप निवेश क्यों कर रहे हो भाई, स्टॉक स्पेकुलेशन पकड़ने के लिए? ठीक है, आपकी इच्छा है। कंपनी के नंबर्स देखते हैं एक बार। कंपनी की तरफ से जो चीजें आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले कुछ कमेंट्री आई है वो भी बताऊंगा, लेकिन कंपनी ने जो कंसोलिडेटेड लॉस पोस्ट कराया एक बार फिर से, और जो लॉस है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। उम्मीद थी बढ़कर आएगा, लेकिन इतना ये बढ़कर उम्मीद नहीं थी। 6400 करोड़ से घाटा बढ़कर 7800 करोड़ का हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। साल दर साल 7296, राउंड फिगर कर लेते हैं, 7300 करोड़ से बढ़कर 7800 करोड़ का घाटा हो गया है। 7500 करोड़ के घाटे की उम्मीद थी, अब बताओ आप, घाटा आपका बढ़ रहा है। आगे बात करें अगर कंपनी के रेवेन्यू की, तो वो लगभग 10400 करोड़ के सामने 10600 करोड़ पे आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। 10500 करोड़ के से बढ़कर 10600 करोड़ आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, तो हल्का हल्का इंप्रूवमेंट आया है। आरपू 139 के हो गए, तो ये बढ़िया है। चलिए आरपू आपका 139 हो रहा है, बट उसके बाद भी आप कहां पे पड़े। नेट डेट कंपनी का 2.12 ट्रिलियन रुपीज पे है, 2,12,000 करोड़ का कर्ज पड़ा है कंपनी पे। कंपनी का टोटल मार्केट कैप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उससे पहले एक कमेंट्री है। कंपनी रिमेन एंगेज्ड विद लेंडर्स फॉर फर्दर डेट फंड रेजिंग। कंपनी रिमेन एंगेज्ड विद अदर पार्टीज फॉर इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड फंड रेजिंग। कंपनी अभी भी अपने कर्जदारों के साथ जुड़ी है और कर्ज लेने के लिए, और शेयर मार्केट से किस तरीके से शेयर्स के बदले कंपनी पैसा जुटा सकती है वो भी कोशिश करेगी। अब मैं आपके साथ थोड़ी सी और चीजें शेयर करूं। जैसा कि मैंने आपसे अभी भी कहा कि कंपनी पे डेट जो है वो 2,12,000 करोड़ का, और कंपनी का टोटल मार्केट कैप पता है कितना है आपको? मैं टोटल मार्केट कैप 40,000 करोड़ का, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2,00,000 करोड़ से ज्यादा का डेट है। अब मेरे को नहीं समझ में आता आप किस बेस पे निवेश कर रहे हो। मेरे को तो मतलब ये एक एग्जाम्पल आपके लिए सेट हो सकता है डिसिप्लिन के रूप में। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में इस तरीके से स्टडी करो, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। आपको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल समझ नहीं है, वो शेयर खरीदो जो आपके घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपको लगता है वो प्रोडक्ट हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसा मत करिए ना आपके घर में कोई एंटीक चीज है और आपने उसकी चीज ले ली।
एंटिक चीजें थी क्या वो लोग ले ना ले वो पता नहीं, बट जो इस्तेमाल हो रही है चीजें रेगुलर बेसिस पे, मतलब कंपनी आगे बढ़ रही है वो खरीद ही लो। सबके घर में पेंट होता है, ज्यादातर लोग के घर में एशियन पेंट होता है, हमेशा कहता हूँ खरीद के डाल दो, कुछ सोचना ही नहीं है। सबके घर में एचयूएल के ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, एचयूएल ब्रांड के प्रोडक्ट्स, लेकिन फिर भी एचयूएल कोई लेने को तैयार नहीं है। घर में बिस्कुट आता है मैक्सिमम ब्रिटानिया के बिस्कुट होते हैं, खरीद के डाल दो यार। ये एक ऐसी चीज है, आप चप्पल पहन रहे हो कौन सी कंपनी की पहन रहे हो डाल दो खरीद के, स्पार्क्स पहन रहे हो रिलैक्सो खरीद लो, आप मतलब जो चाहते हो आप बाटा ले लो, बाटा का शेयर उठा लो, इससे ज्यादा क्या ये हुआ। ठीक है, तो ये एक सिंपल वे होता है इन्वेस्टिंग का। हाँ, अगर आप किसी फील्ड में हो, पर्टिकुलर आप इंश्योरेंस फील्ड में हो, तो आपको इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा पता हो, तो आप HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI लोम्बार्ड इन्हें कंपेयर करोगे। लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं, तो आप जो चीजें यूज कर रहे हो वो तो समझ में आ रही है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग का। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो, वो आपको समझो पसंद दोनों ही होगी, स्टॉक के नंबर तो खराब लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।